एवरी वन वेलकम टू तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से विच इज ए सोशल सिस्टम ठीक है तो हम डायरेक्टली वाइट बोर्ड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले आपके लिए इन डिटेल समझना जरूरी है उसके बाद विल गो थ्रू द बुक अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे तो यूल गेट कन्फ्यूज सोशल सिस्टम का हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया था एज एन हमने क्या पढ़ा था सोशल एक्शन तो सोशल एक्शन क्या होता है बेसिकली कोई भी एक्ट जो कॉन्शियसली परफॉर्म होता है एनी एक्ट दैट इज कॉन्शियसली परफॉर्म इज योर सोशल एक्शन कॉन्शियसली परफॉर्म ठीक है पासन्स ने कहा था और उन्होंने साथ में हमें यह भी कहा था ये जो एक्शंस हैं दे डू नॉट अकर इन आइसोलेशन मतलब हम उनको एक सेपरेट एक एक एक्ट को जो है वैसे करके नहीं समझते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते हैं वो एक्शन वो कॉन्स्टलेशन में परफॉर्म होते हैं दैट मीन्स ग्रुप में परफॉर्म होते हैं ठीक है और यही जो कॉन्स्टलेशन ऑफ एक्शन सिस्टम्स हैं कॉन्स्टेशन ऑफ एक्शन एक्शन है आपके सोशल एक्शन दैट फॉर्म्स योर सोशल सिस्टम फाइन तो ये इन्होंने सोशल सिस्टम का कहा था अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक ग्रैंड फ्रेमवर्क दिया था अगर आप चाहें तो ग्रैंड फ्रेमवर्क दिया था इन्होंने चाहे तो यू कैन राइट इट डाउन आप नोटबुक और पेन साथ में रखें और ये लिखें ताकि आपको रिविजन करने में बाद में ईजी हो जाए तो इन्हें ग्रैंड फ्रेमवर्क दिया था जो इनका फ्रेमवर्क था उसमें इन्होंने डिस्कस किया था सिस्टम लेवल्स को देखो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद नितिन सर की बुक में नहीं मैंशन होंगी इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं इन्होंने कुछ सिस्टम लेवल्स की बात की थी जो इन्होंने कहा था वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट स्टिक द सोसाइटी टुगेदर दैट स्टिक सोसाइटी टुगेदर ठीक है तो ये इन्होंने सिस्टम लेवल्स कौन सी दी थी ये सिस्टम लेवल्स इन्होंने दिए थे हमारे पास चार ऐसे सिस्टम इन्होंने दिए थे इसको आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो सी एस पीओ करके तो एक था आपका सी विच इज योर कल्चरल सिस्टम योर एस दैट इज योर सोशल सिस्टम पी इज योर पर्सनैलिटी सिस्टम एंड ओ इज योर ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम ठीक है तो हमने जब पासन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ही कहा था कि इन्होंने सिंथेसाइज़ किया था अलग अलग जो थियोरिस्ट हैं अलग अलग थिंकर्स हैं उनकी कुछ कुछ आइडियोलॉजीज को तो जो कल्चरल फ्रेमवर्क है ये इन्होंने मेलनोस्की से लिया था पर्सनालिटी सिस्टम इन्होंने मीड वगैरह से लिया था जी मीड वो भी हमें आगे पढ़ना है आई गेस लास्ट थिंक हमारा वही है इस चैप्टर का तो ये सारी चीज़ें क्लब करके इन्होंने सिंथेसाइज करके अपना एक ग्रैंड फ्रेमवर्क फंक्शनल फ्रेमवर्क एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो ताकि सोसाइटी के डिफरेंट चीजों को हम इससे एनालाइज कर सकें ये फ्रेमवर्क यूज करके अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे क्या होती हैं देखो ये जो लेवल्स हैं ना ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं और इंटर रिलेटेड है दैट मीन्स कल्चर सिस्टम कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है पर्सनैलिटी सोशल सिस्टम से ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम रिलेटेड होता है आपकी पर्सनैलिटी वगैरह से सोशल सिस्टम रिलेटेड होता है पर्सनैलिटी कल्चर से तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है इंटर रिलेटेड है लेकिन ये अपनी एक बाउंड्री मेंटेन करता है हर सिस्टम अपनी एक बाउंड्री मेंटेन करता है जो इसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है मैंने कहा बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं आप ये नहीं बोल सकते कल्चर पर्सनलिटी बिल्कुल अलग है लेकिन इन्होंने कहा था हर सिस्टम अपनी एक बाउंड्री मेंटेन रखता है जिसकी वजह से उसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलती है फाइन डिस्टिंक्ट मिलती है हर लेवल को क्योंकि अगर ये बाउंड्री जो ये मेंटेन नहीं रख पाए जो ये बाउंड्री इनके बीच में एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी कल्चर पर्सनालिटी एक बनेगा फिर ये आपके अलग अलग सिस्टम्स नहीं रहेंगे इस वजह से बोला जाता है दे मेंटेन देर ओन बाउंड्रीज ठीक है इस वजह से इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहती है तो पहले हम देखते हैं पहला सिस्टम हमारा है कल्चरल सिस्टम देखो कल्चरल सिस्टम अब क्या करता है इसको आप स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ये कल्चरल सिस्टम क्या करता है ये हेल्प करता है एक्सरसाइज करने में सोशल कंट्रोल वो कैसे करता है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है पहले आपकी लैंग्वेज हो गई मैंडेटरी है सेकेंड वन इज बिलीफ नॉर्म्स वैल्यूज वगैरह तो इन सब चीजों से क्या करता है ये आप पे एक सोशल कंट्रोल पुट करता है सोसाइटी पे तो आप बोल सकते हो ये एक काइंड kind ऑफ of, एक ग्लू है जो होल्ड करता है सोसाइटी को टुगेदर ठीक है थ्रू बिलीफ नॉर्म्स वैल्यूज वगैरह से सोसाइटी जुड़ी रहती है अदरवाइज हर जो है इंसान अपने उसके अपने बिलीफ्स होंगे अपने वैल्यूज होंगे तो वो एक आप बोल सकते हो यूनिटी ठीक है एक सोसाइटी का इकट्ठे रहना सॉलिडारिटी वाला कॉन्सेप्ट वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाएगा अगर हर कोई अपनी बात करेगा तो ये जनरल बिलीफ नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं जिसपे सारे अग्री करते हैं वो कहां से आते हैं आपके कल्चर सिस्टम से सेकेंड इज योर पर्सनैलिटी सिस्टम पर्सनालिटी सिस्टम में इन्होंने बात की थी अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलोगे जो इन्होंने जिस चीज को एनालाइज किया था पर्सनालिटी में वो था इंडिविजुअल की पर्सनालिटी इंडिविजुअल ठीक है अब जो इंडिविजुअल है इस इसपे सारा फोकस था इसमें इंडिविजुअल कैसे एक्ट करता है इंडिविजुअल जो है वो एक्ट करता है किसके बेसिस पे बेस्ड ऑन हिज इंडिविजुअल नीड्स इंडिविजुअल नीड्स आपको इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखना होगा आप पिछला लेक्चर आप याद करो मैंने उसमें कहा था इसने जो प्रॉब्लम्स बोली थी मोटिवेशन प्रॉब्लम का इन्होंने डिस्कस किया था उसमें इन्होंने क्या कहा था कहा था कि सोसाइटी को ख्याल रखना है इंडिविजुअल नीड्स का ठीक है इंडिविजुअल नीड्स का भी तो वो इंडिविजुअल नीड्स कहाँ से आती हैं पर्सनैलिटी सिस्टम से तो उसमें आपके इंडिविजुअल नीड्स आ गई जो एक्ट करता है इंडिविजुअल किसके अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मोटिव्स एटीट्यूड ठीक है और इंडिविजुअल का यूजुअली कंसर्न क्या होता है टुवर्ड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कि उसको खुद को सेटिस्फाई करना होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और उसका कंसर्न होता है उसका अपना पर्सनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं पर्सनालिटी सिस्टम में तो पर्सनालिटी सिस्टम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट या आप बोल सकते हो फोकस कौन रहा है इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है वो एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन हिज इंडिविजुअल नीड्स मोटिव्स एटीट्यूड्स ठीक है और वो जो इंडिविजुअल है उसका झुकाव किस चीज़ की तरफ होता है ही इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स हिज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और पर्सनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी सिस्टम से रिलेटेड है दिस इज योर सेकंड कंपोनेंट ऑफ हिज सिस्टम लेवल दैट इज योर पर्सनालिटी सिस्टम थर्ड कंपोनेंट एस सी एस पी ओ करके याद रख सकते हो इसको सेकेंड कॉम्पोनेंट बोल दो सोशल सिस्टम अब सोशल सिस्टम जो है इससे आपको पता चलेगा ये इनका जो ग्रैंड फ्रेमवर्क था उसका एक पार्ट था ठीक है इनका ग्रैंड स्कीमा का एक पार्ट था सोशल सिस्टम अब यहाँ पे इंडिविजुअल फोकस नहीं रहेगा जहां पे भी सोशल सिस्टम की बात आएगी उसको उसमें इन्होंने क्या एनालाइज किया है इसमें फोकस किस पे रहा है रोल इंटरक्शन पे अगेन आप पहला लेक्चर याद करो लास्ट वाला हमने उसमें कहा था कि हॉबीज इन व्यू क्या था हॉबीज इन व्यू क्या था uh, हॉबीज इन व्यू क्या था कि बिहेव कैसे करते हैं लोग प्रॉपरली क्योंकि उनको फेयर होता है पनिशमेंट वगैरह का उसके कॉन्सिक्वेंसेज के फेयर के चलते दे बिहेव प्रॉपरली लेकिन पार्सन ने क्या कहा था पार्सन ने कहा था नहीं दो चीजें होती हैं फर्स्ट वन इज योर वैल्यू कंसेंसस

ठीक है किसी के फादर हैं जैसे मदर है वो दोनों डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और वो जो बिहेवियर है उनका वो काइंड kind ऑफ of उसमें वैल्यू कंसेंसस है दैट मींस कंसेंसस है ठीक है वैल्यू कंसेंसस दैट मींस वो उनके बिहेवियर पे हर कोई अग्री करता है मदर्स का यूजुअली क्या तरीका होता है प्यार वो डिस्प्ले करती है मेरा कुछ पुच्चू अपने बच्चों को करती रहती है लेकिन जो फादर है वो अगर ये करेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि फादर को आप एक अलग तरीके से देखते हैं ठीक है और ये जो मदर का बिहेवियर है ये आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा क्योंकि ये एक वैल्यू कंसेंसस है इसमें ये शेयर्ड रियलिटी है कि माए तो ऐसा ही करती हैं लेकिन फादर्स का एक थोड़ा वे होता है वो उनका और अलग होता है उनका एक पर्टिकुलर वे होता है बिहेव करने का थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस रखते हैं ठीक है ठीके? तो और उनका वो ही अग्रीड और एक्सेप्टेड होता है इन जनरल टर्म्स हम जनरल बात करें अगर आप बोलोगे नहीं मेरे फादर भी ये करें हम इंडिविजुअल बात नहीं करें जनरल बात करें फादर्स को यूजुअली अलग एंगल से देखा जाता है मदर्स को अलग एंगल से और ये चीज एक्सेप्ट की जाती है सोसाइटी में क्योंकि इस पे वैल्यू कंसेंसस है सारे चीज इस पर अग्री कर सकते अग्री करते हैं ये एक शेयर्ड रियालिटी है एक रियालिटी जो हर किसी के लिए सेम है ठीक है तो इन्होंने सोशल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए रोल इंटरक्शन की बात की इन्होंने कहा ये रोल है दैट वी आर ऑल प्लेइंग इन दिस सोशल वर्ल्ड और उस रोल पे यू ऑल अग्री जैसे मैं बिहेव करती हूँ यू विल अग्री ऑन माई रोल बिकॉज यू नो हाउ अ टीचर इज सपोज टू बिहेव ठीक है इस चीज की वजह से क्या होता है हम सारे जो है एक सिस्टम में सरवाइव कर पाते हैं नहीं तो हर सिस्टम जो है वो टूटता जाएगा अगर अग्री नहीं करोगे आप उनके रोल्स पे तो इन्होंने यूजुअली इस पे किस पे फोकस किया रोल पे यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती है जैसे फोकस था पर्सनैलिटी सिस्टम में किस पे इंडिविजुअल पे यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती है वो किस तरीके से नहीं होती है बिकॉज हेयर इट इज नॉट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दैट इज इंटरैक्टिंग ठीक है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन इसमें इट इज नॉट दी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी विच इज इंटरक्टिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी यहां पे इंटरैक्ट नहीं कर रही है फॉर एग्जाम्पल अभी आपके साथ कौन इंटर कर रहा है मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ लेकिन मैं एज अ टीचर इंटरैक्ट कर रही हूँ ठीक है तो मैं वीडियो स्टार्ट करके आपको अपनी आप भीती या मैंने सुबह क्या किया मेरा डेली एक्टिविटीज uh, किया है वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगी वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी है वो मैं अलग हूँ मैं अलग इंसान हूँ लेकिन यहाँ पे मैं एक टीचर हूँ तो सोशल सिस्टम में एंटायर फोकस रहेगा आपके स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स पे स्टेटस रो कि मेरा क्या स्टेटस है ठीक है मेरा स्टेटस क्या है स्टेटस आपकी जो स्ट्रक्चरल पोजीशन है सोसाइटी में टीचर और उसके साथ कोई एसोसिएटेड रोल होगा तो इसको स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स बोल लो आप तो इसपे फोकस रहेगा इंडिविजुअल मेरी क्या पर्सनैलिटी है उसपे फोकस नहीं रहता है सोशल सिस्टम में वो किस में रहेगा पर्सनैलिटी सिस्टम में ठीक है तो यहाँ पे आप किस पे ध्यान दोगे अपने रोल इंटरक्शन को एनालाइज करोगे फोकस आ रहेगा उस पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे आपका रोल इंटरेक्शन है ना कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अब देखो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट बाद में कंफ्यूजिंग होती है अगर नितिन सर की बुक पढ़ोगे कहीं आप देखोगे कि सोशल सिस्टम में इंडिविजुअल्स को फोकस नहीं किया जाता है तो आप यूजली फिर बच्चे ये लाइने स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं आई होती है कि ये क्या बोल रहा है अब आई होप इससे ज्यादा इजी मैं आपके लिए नहीं कर सकती हूँ कि अगर आप अब ये लाइन कहीं पढ़ो तो आप ये समझ जाओगे कि नहीं रोल की यहाँ पे बात हुई है आप एज अ स्टूडेंट अगर मैं लाइव क्लास में हमारा ये अभी तो चलो ये मोनोलॉग ही चलता है मैं बोलती हूँ सुनती हूँ मैं बोलती हूँ आप सुनते हो अगर काइंड ऑफ डायलॉग इंटरेक्टिव क्लास होगी तो आप बातें करोगे वो स्पेसिफिक होगी सोशोलॉजी के आपके एग्जाम की कि आप ये बातें करोगे अपने की मैम मेरा ये फलानी ये है मेरा फलानी वो है मुझे ये करना है मुझे वो करना है या अभी मुझे खाना बनाना है या अभी मुझे पढ़ाई करनी है वो सारी चीजें नहीं चलेंगी आपकी ठीक है ये आप क्या समझते हो मेरी क्लास के बारे में आपका क्या मोटिव है क्या एटीट्यूड है क्या लाइफ का वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम बैठेंगे एक क्लास में जो डायलॉग क्लास होगी जिसमें आप भी बोलोगे आप बात करोगे टेलकॉट पर्सन की आप बात करोगे नितिन सांगवान सर की बुक की सोशोलॉजी की ठीक है तो वो होगा आप उस रोल में हो इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होगा तो वो पार्ट है सोशल सिस्टम का ठीक है फोर्थ आ गया इनका ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम ऑर्गेनिसमिक सिस्टम मैंने आपको पहले भी कहा अंडरग्रांड में इनका बायोलॉजी मेजर रहा है तो इन्हें सोशल बायोलॉजी को साथ साथ चला है कहीं ना कहीं तो इन, इसमें इन्होंने फिजिकल बॉडी की बात की है फिजिकल बॉडी तो बॉडी दैट वी हैव इज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अस ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में इसको आप ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकते हो जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं स्पेशली एबल्ड पीपल जो है उनका एक्सपीरियंस ऑफ दीज काइंड ऑफ दीज इंडिविजुअल स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है सोसाइटी का इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इट वुड बी वेरी डिफरेंट ड्रामेटिकली डिफरेंट देन अदर पीपल जो कोई ऐसी प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं स्पेशली एबल नहीं है ठीक है अगर व्हील चेयर रिडन इंसान है बेड रिटन इंसान है उसका जो सोसाइटी को देखने का नजरिया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा आपसे जो बेड रिटन और व्हील चेयर रिडेड नहीं हो और आई विश कभी हो भी ना ठीक है तो ये है ऑर्गेनिस्मिक लेवल तो इन्होंने ये बॉडी एनर्जी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी ये बात हमेशा की है क्योंकि बायोलॉजी को इन्होंने साथ साथ लेके चला है सोशो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है ये वो उसमें काफी इंटरेस्टेड थे तो ठीक है सिस्टम लेवल्स की हमने बात की चार सिस्टम लेवल्स आ गई थी सी एस पी ओ कल्चरल सिस्टम पर्सनालिटी सिस्टम सोशल सिस्टम एंड सिस्टम इसमें आगे आपका लैंग्वेज आपके बिलीफ एटीट्यूड वगैरह पर्सनालिटी सिस्टम में जो इंडिविजुअल पे फोकस किया जाएगा और वो एक्ट करता है बेस्ड अकॉर्डिंग टू तो हिज नीड्स मोटिव्स हिज एटीट्यूड्स ठीक है और आपका सोशल सिस्टम हो गया उसमें हमने बात की रोल इंटरेक्शंस की और ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम में आगे आपकी अपनी फिजिकल बॉडी तो ये था इनका सोशल सिस्टम का नाउ टुवर्ड्स दी नितिन सांगवान सर बुक अब देखते हैं बुक में इन्होंने ये सारी चीजें क्या हमें बोली हैं। स्टार्ट करते हैं सोशल सिस्टम नितिन सांगवान सर ने क्या लिखा है पार्सन जो है सोन मूड अवे फ्रॉम माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी जिसमें सिर्फ एक एक्शन एक्शन की बात की थी एंड अप्रैंडवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल रियलिटी को इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम तो आप ये भी कह सकते हो एक माइक्रो कॉन्सेप्ट से फाइनली कहाँ पे आ गए किसको एक्सप्लेन किया एक माइक्रो फ्रेमवर्क को उन्होंने स्ट्रक्चुरल फंक्शनल थियरी दी थी एज अ मास्टर फ्रेमवर्क फॉर द वर्किंग ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सोसाइटी उनका जो आइडिया था सोशल सिस्टम Uh, the s structure of social action.

कल्चरल सिस्टम मेलनोस्की और रिवर्स से लिया था पर्सनालिटी सिस्टम पर्सनैलिटी मीड कूली वगैरह से लिया था सोशल सिस्टम जो है इट इज़ जस्ट वन ऑफ़ द फोर हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शंस एक ग्रैंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क का दैट मींस एक बड़े फ्रेमवर्क का एक पार्ट है जो वो बड़ा फ्रेमवर्क क्या है आपका वो बड़ा फ्रेमवर्क आपका ये है सी एस पी ओ ठीक है उसी का एक पार्ट है सोशल ये मैंने आपको पहले बता दिया है ये हमने पढ़ लिया अभी वो प्री जो है सोशल सिस्टम के टू तो एमर्ज क्योंकि सोशल सिस्टम में इन्होंने किसको एनालाइज किया था आपके रोल इंटरक्शन को यहाँ पे यही बात की गई है सोशल सिस्टम को फिर ने डिफाइन किया कंसिस्टिंग ऑफ प्लुरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टर्स इंडिविजुअल एक्टर्स जो इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ एक सिचुएशन में जिसका एक हो विद एक्टर्स मोटिवेटेड इन टर्म्स ऑफ टेंडेंसी टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ठीक है ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी सोशल सिस्टम की जहां पे ग्रुप uh, के प्लुरिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ किसी एक सोशल सेटिंग में और वो उनका क्या काम है ऑप्टिमाइज करना ग्रेटिफिकेशन ठीक है यहाँ पे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वो अलग है जो मैंने आपको पर्सनैलिटी सिस्टम में कहा था ये क्लियर है इस डेफिनेशन से कि एक सिस्टम के दो पार्ट्स हैं एक स्ट्रक्चर है जैसे कोई

सोशल सिस्टम जो है स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए इसमें सो so दैट ये कंपेटेबल हो बाकी सिस्टम्स के साथ भी जो हमने सिस्टम लेवल बोली थी तो सारा एक स्ट्रक्चर में चल रहा है ना एक सी का स्ट्रक्चर है एक एस स्ट्रक्चर है एक पी स्ट्रक्चर है ओ स्ट्रक्चर है सारा एक स्ट्रक्चर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं सेकेंड टू सर्वाइव सोशल सिस्टम मस्ट हैव रिक्विजिट सपोर्ट फ्रॉम अदर सिस्टम्स ठीक दूसरे सिस्टम्स का भी सपोर्ट होना चाहिए इनमें आपस में इन सिस्टम लेवल्स का थर्डली सिस्टम मस्ट मीट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द नीड्स ऑफ इट्स एक्टर्स इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखना है अगेन हमने डिस्कस कर लिया है फोर्थ द सिस्टम सिस्टमेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स पार्टिसिपेशन होनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर तो इंटरेक्शन ही नहीं होगी जब इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो सोशल सिस्टम ही नहीं होगा कोई सोशल कंट्रोल होना चाहिए अब देखो ये जो सोशल सिस्टम्स है ना ये सेल्फ करेक्टिव और सेल्फ एडजस्टमेंट होती है इन्हें मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए खुद को ये दोबारा करेक्ट कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं फाइन वो कैसे होता है थ्रू आपकी सोशलाइजेशन से या आपके सोशल कंट्रोल से तो इन सोशल सिस्टम में इतना भी पावर होना चाहिए कि ये आपको सोशल कंट्रोल आपको कंट्रोल कर सके अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस कंट्रो uh, हमें इस कॉन्फ्लिक्ट uh, को कंट्रोल करना मैंडेटरी बन जाता है और सेकेंडली एक लास्टली एक लैंग्वेज होनी चाहिए किसी सिस, भी सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए ठीक है हवर पार्सन आगे देखते हैं पार्सल ने कम्पलीटली इग्नोर नहीं किया रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को अपने डिस्कशन में क्योंकि अभी तक इन्होंने हर जगह रोल इंटरेक्शन की बात की ठीक है रिलेशनशिप की बात नहीं की थी लेकिन कम्पलीटली इग्नोर नहीं किया क्योंकि ये इंटरेस्टेड थे इन वेज में जिसमें नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो एक सिस्टम की होती है वो कैसे एक्टर्स में ट्रांसफर होती है विद इन द सिस्टम वो एक्टर्स कैसे वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को इंटरनलाइज करते हैं और वो कैसे करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन तो ये बात भी इन्होंने करी थी ठीक है तो रिलेशन को भी इन्होंने इग्नोर नहीं किया था इनिशियली पास्ट ने एक मैकेनिकल मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेस दिया था जिसमें इन्होंने कहा था ध्यान से सुनना सोशल सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ओनली ठीक है जैसे स्ट्रक्चर ओनली का मतलब क्या हो सोशल सिस्टम में आपका फैमिली आ गया फॉर एग्जांपल एजुकेशन आ गया रिलीजन आ गया ठीक है कहा था ये जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम खुद से ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं उसको इन्होंने मूविंग इक्विलिब्रियम कहा था लेकिन बाद में इन्होंने और एक फेज दिया था जिसको बोलते हैं रेक्विजिट फंक्शनल फेज उसमें इन्होंने कहा था कि इन सिस्टम को अग्री करने के लिए मतलब सरवाइव uh, करने के लिए सोशल सिस्टम्स को कोई फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है या फंक्शनल प्री होते हैं जो इन सिस्टम्स को परफॉर्म करने होते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें और इन फंक्शनल प्री को इन्होंने एक एजल फंक्शन करके नाम दिया था जैसे अडेप्टन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी वो हम टूवर्ड्स दी एंड ऑफ दिस टॉपिक देखेंगे फाइन

जिसको इन्होंने फंक्शनल प्री कहा था और इस फेज का नाम रिक्विजिट फंक्शनल फेज दिया था जिसको हम एजीआईएल मॉडल इन शॉर्ट बुलाते हैं ठीक है तो वो हमें uh, इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या लिखा है सोशल सिस्टम जो है इट इटसेल्फ परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेशन इन सोसाइटी फर्दर ही जनरलाइज्ड हिज एजल मॉडल एंड सेट दैट एवरी सिस्टम के फर्दर फोर सब सिस्टम्स होते हैं फॉर एग्जांपल सोशल सिस्टम के अपने और चार सब सिस्टम एंड सो ऑन मतलब ये जो है कंटिन्यू होता जाता है हर सिस्टम के चार सब सिस्टम्स हैं और ये कंटिन्यू होता जाता है ठीक है उन्होंने कांसेप्ट दिया एक्शन सिस्टम का पहले एज अ प्रीकर टू हिज आइडिया ऑफ सोशल सिस्टम दैट मीनस पहले उन्होंने सोशल एक्शन सिस्टम की बात की फिर उन्होंने सोशल सिस्टम की बात की सोशल सिस्टम में क्या क्या बोला ऑर्गेनिजमिक सिस्टम स्टोर हाउस ऑफ एनर्जीज को बोलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया पर्सनलिटी सिस्टम आपका मोटिवेशन है ठीक है जहां से आप इंडिविजुअल एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देर ओन मोटिव मोटिवेशन उनको खुद से मिलती है सोशल सिस्टम भी हमने सारा डिस्कस कर लिया अभी वाइट बोर्ड पे और कल्चरल सिस्टम जो है इसको स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसमें आपके नॉर्म्स वैल्यू बिलीफ और लैंग्वेज वगैरह आती है वाला देखते हैं सोशल सिस्टम ये भी हमने डिस्कस कर लिया है पैटर्न ऑफ एक्चुअल इंटरेक्शन ठीक है हमने इंटरेक्शन की बात की रोल इंटरक्शन में और जो इंस्टीट्यूशनलाइज रोल्स होते हैं आर व्यूड एज सोशल सिस्टम इसके चार सब सिस्टम है जैसा मैंने अभी कहा हर सिस्टम के फर्दर चार सब सिस्टम है तो इसके कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन जिसको इन्होंने एजल मॉडल से एक्सप्लेन करा है ठीक है तो ये एक बड़ा सिस्टम है जिसके चार लेवल्स हैं फर्दर फिर को मैं एक बार ये ये कर लेती हूँ तो ये एक बड़ा सिस्टम है इसके चार सब सिस्टम्स आ गए और सिस्टम पर्सनैलिटी सिस्टम कल्चरल सिस्टम और आपका सोशल सिस्टम फर्दर सोशल सिस्टम के और चार सब सिस्टम्स हैं ठीक है फिर इस सब सिस्टम की जैसे इकोनॉमिक के ले लो इसके और चार सब सिस्टम्स हैं ऐसे करके हर सिस्टम के आपको चार सब सिस्टम्स मिलेंगे ठीक है

एक्सप्लेन कर ली है तो स्टेटस क्या हुआ आपकी स्ट्रक्चरल पोजीशन फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मैं ये मेरी स्ट्रक्चरल पोजीशन है सोसाइटी की और जो रोल मेरे काम मेरे स्टेटस के साथ अटैच्ड है मेरा काम जो अटैच्ड है मेरे स्टेटस के साथ वो मेरा रोल है ठीक है

ठीक ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया इसीलिए मैं पहले आपको सारी चीजें बताती हूँ कि एक बार क्लियर हो जाए बाद में बुक से फिर पढ़ना ऐसे करके थोड़ा आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी रहेगा हर एक्शन सिस्टम के इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए सिस्टम जो एक है यूनिफाइड होल है मेड अप ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स कॉल्ड कॉल सब सिस्टम ये हमें क्लियर हो गया एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं ये भी मैंने बता दिया सिस्टम जो है ये एक स्टेबल रिलेटिवली स्टेबल मैनर में एग्जिस्ट करते हैं एक पैटर्न फॉलो करते हैं ऑफ इंटर इंटर रिलेशन अदरवाइज ये एक्जिस्ट नहीं करेंगे अगर स्टेबल नहीं होंगे और एक ऑर्गेनाइजड वे में नहीं चलेंगे सिस्टम डायनामिक इन नेचर होते हैं क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को हम स्टैटिक कैसे बोलेंगे क्योंकि सोसाइटी खुद ही चेंजिंग है कोई फंक्शन प्री होते हैं जो इनको फुलफिल करने होते हैं ताकि एग्जिस्ट कर सकें और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था आपने एजल मॉडल से जो हम अभी अब डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एजल फ्रेमवर्क है ठीक है तो एजल फ्रेमवर्क के लिए हम फिर से वाइट बोर्ड ऑन करते हैं एजल फ्रेमवर्क से पहले अभी तक हमने क्या डिस्कस किया मैंने आपको इक्विलिब्रियम की हमने बात की तो बेसिकली पार्सन्स ने क्या किया था इन्होंने कहा था सिस्टम सरवाइव कैसे करता है ठीक है पहले इन्होंने कहा था सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक एंगल देखा था स्ट्रक्चर को कहा था कि स्ट्रक्चर एक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है फाइन एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है जिससे आपका जो सिस्टम है वो सरवाइव करता है उसको इन्होंने कहा था या मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेज दूसरा नाम क्या दिया था मूविंग इक्विलिब्रियम दैट मींस कोई भी अगर मैकेनिज्म होगा कोई इंस्टीट्यूशन होगा वो कोई फुलफिल करेगा नीड्स ठीक है और उससे uh, एक फाइनली मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम होगा उस मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है फीडबैक जनरेट करना फीडबैक जनरेट करना वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी अभी फॉर एग्जाम्पल हम मैरिज की एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है मैरिज एक इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो या एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म था मैरिज के बाद क्या आ गया डोमेस्टिक वायलेंस के काफी इश्यूज आ गए डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आ गए इस चीज को रोकने के लिए क्या आ गया हमारे पास डोमेस्टिक लॉज बन गए मैरिटल लॉज बन गए जब डोमेस्टिक लॉज बन गए तो आप बोल सकते हो एक नया एक आ गया अब जो मैरिटल जो मैरिड कपल्स थे उनमें थोड़ा सा ये रहा ना कोई डर कोई लॉज वगैरह है हमें कोई देख रहा है मैरिटल लॉज वगैरह बन गए डोमेस्टिक लॉज बन गए सॉरी उसके बाद क्या हो गया एक न्यू मैरिज इंस्टीट्यूशन या एक मॉडिफाइड मैरिज इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ आ गया ठीक है जिसमें लड़कियों को खासकर क्या किया गया प्रोटेक्शन दी गई तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है एक फीडबैक जनरेट हो रहा है ये एक स्पेसिफिक है, 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 स्पेसिफिक हुई, ठीक बन गए, एक फीडबैक जेनरेट हो गया हमारे पास मॉडिफाइड ये आ गया एक इंस्टीट्यूशन आ गया और उसने क्या किया मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम रखा मतलब यहां पे मेंटेनेंस ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अगर ये फीडबैक जनरेट नहीं होता कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और उसको करेक्ट नहीं किया जाता डोमेस्टिक लॉज की तरफ के थ्रू और फाइनली एक मॉडिफाइड मैरिटल इंस्टीट्यूशन नहीं हमारा बनता तो ये जो मैरिट इंस्टीट्यूशन है ये ख़त्म हो जाता ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है या अगर आप नॉर्मल और एक एग्जाम्पल ले लो हमारे पास इंटरनेट है हमारे पास इंटरनेट आया इंटरनेट से क्या आ गया क्राइम्स बढ़ गए साइबर क्राइम्स आप बोल सकते हैं इनको साइबर क्राइम्स बढ़ गए फीडबैक जनरेट हो गया कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लॉज आ गए लॉज जब आ गए तो हमारे पास एक नया एवेलेबल आ गया दैट मींस अब हम हमें कोई प्रोटेक्शन मिली है अकॉर्डिंगली हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो मॉडिफाई हो रहा है तो इससे क्या हो गया ये जो इंस्टीट्यूशन है सारा इसने फाइनली सर्वाइव किया ये क्रम्बल नहीं हुआ तो अगर ये फीडबैक जनरेट नहीं होता और बाद में उसमें चेंज नहीं लाते तो ये इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं करता ठीक है तो ये इन्होंने कहा था कैसे सर्वाइव करता है पहले इन्होंने कहा था जो स्ट्रक्चर है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है जिसको इन्होंने मूविंग इक्विलिब्रियम या मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मैकेनिकल मैकेजमि कहा था जिससे ये जो आपका ये है इंस्टीट्यूशन है ये सोशल सिस्टम है ये सर्वाइव करता है ठीक है ये हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेज और मूविंग इक्विलिब्रियम सेकंडली इनको कोई चीज मिसिंग है इन्होंने कहा नहीं सर्वाइव करने के लिए सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर की इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं पड़ती है जो सोशल सिस्टम है उसके कुछ फंक्शनल प्री भी होते हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं कोई फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं ठीक है कोई फंक्शनल मेंटेन करने होते हैं कोई फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं फाइन और उन फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स को इन्होंने एजल मॉडल से एक्सप्लेन किया विच इज यप्टन ए फॉर अडेप्टेशन यहाँ पे लिख देते हैं जी इज योअर गोल ए से आपका आ गया अडेप्टेशन ठीक है ये आपका अडाप्टेशन हो गया जी हो गया आपका गोल अटेनमेंट अटेनमेंट आई इज योर इंटीग्रेशन एंड एल इज लेटेंसी देखो एडाप्टेशन क्या होता है पहले एडाप्टेशन डिस्कस कर लेते हैं अडाप्टेशन होता है कोई भी सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए अडाप्ट करना पड़ता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने सराउंडिंग से फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे आपका लैंड सी वगैरह ठीक है ये आपको चीजें अडेप्ट करनी होती हैं तभी वो सिस्टम सर्वाइव करता है और हमें कौन इसमें हेल्प करता है इकोनॉमी इकॉनमी क्या करता है इन सारी चीजों को यूटिलाइज करता है इनके एक्सट्रैक्शन करता है रिसोर्सेज की और हमारे काम लेके आता है तो एक सिस्टम को अडेप्ट करना होता है अपनी इकोनॉमी को एक्सटर्नल रिसोर्स को इकोनमी के थ्रू सेकेंड इज योर गोल अटेनमेंट अटेनमेंट गोल में क्या आता है सबसे पहले गोल्स करना कि गोल्स क्या है ठीक है उसके बाद उन गोल्स के लिए इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना मेंबर्स को मोबिलाइज करना तो काफी चीजें इसमें आती हैं ये सारी चीजें कौन कर सकेगा गोल डिटर्मिन करना फिर बाद में उसके लिए तैयार करना इसके लिए आपके पास पावर होना चाहिए अथॉरिटी होनी चाहिए जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले एक गोल डिटर्मिन होता है उनके लिए कि उनको ये जो स्क्यूड सेक्स रेशियो है उसको कम करना है फाइन और जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए बेनिफिट्स लेके आने हैं ताकि लोग ये जो फीमेल फिटिसाइड के केसेस होते हैं वो ना हों ठीक है तो उसके लिए वो पहले मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट्स वगैरह मोबिलाइज करते हैं मेंबर्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू स्कीम्स जो लाते हैं उसमें उनको बेनिफिट देते हैं अगर गर्ल चाइल्ड होगी एक एक से ज्यादा तो उनको इतना मुफ्त राशन दिया जाएगा या स्कूलिंग में उनको फीस वगैरह ये हो जाएगी कम फीस कंसेशन देंगे या काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनके लिए फीमेल को कोई फीस जो है वो नहीं भरनी होती है तो ये सारी चीजें तो ये कौन करेगा जिसके पास पावर अथॉरिटी होगी तो गोल अटेनमेंट के लिए हमें कौन हेल्प करेगा आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ठीक बाद में इंटीग्रेशन कौन करता है आपकी इसमें आपका कल्चर सिस्टम हो गया या कल्चर से एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हो गए ठीक है कल्चरल सिस्टम इसमें जैसे आपका रिलीजन आपकी आइडियोलॉजीज वगैरह जो क्या करती हैं आपका टेंशन रिड्यूस करती हैं टेंशन रिड्यूस करती हैं इन द सेंस की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देती हैं फाइन तो वो सारी चीजें म्यूचुअल एडजस्टमेंट करना कोऑर्डिनेशन करना म्यूचुअल एडजस्टमेंट कोऑर्डिनेशन वो सारी चीजें ये किसकी हो रही है ये सिस्टम्स की हो रही हैं ठीक है म्यूचुअल एडजस्टमेंट ये सारी चीजें आ गई आपकी इंटीग्रेशन में देन लेटेंसी में दो चीजें आती हैं एक आपका पैटर्न मेंटेनेंस है पैटर्न मेंटेनेंस एंड सेकेंड इज योर टेंशन मैनेजमेंट ये दो काम लेटेंसी से होता है पैटर्न मेंटेनेंस होता है कन्फर्मिटी जो है वो इंड्यूस करना या आप बोल सकते हो मेंटेन करना कन्फर्मिटी मेंटेनिंग कन्फर्मिटी ये कैसे होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कि आप नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सोशलाइज करते हो अपने अंदर ठीक है सोशलाइजेशन से कन्फर्मिटी मेंटेन होती है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज को एम्बाइब करते हो इंड्यूस करते हो टेंशन मैनेजमेंट पर्सन का मानना था हर सिस्टम के अंदर ये इंटरनली टेंशन मैनेजमेंट चीज़ होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली की अगर हम बात करें तो टेंशन मैनेजमेंट का रोल प्ले कौन करती है फैमिली सोसाइटी के अंदर ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन हर सिस्टम में इंटरनल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ये एक फैक्टर होना चाहिए टेंशन मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जैसे यहाँ पे फैमिली आप बोल सकते तो हो काफी हद तक टेंशन रिड्यूस करने में हेल्प करती है इंटीग्रेशन जो है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम हो रहा है और यहाँ पे जो टेंशन मैनेजमेंट है वो काफी पर्सनल लेवल पे इंटरनल लेवल पे हो रहा है पर्सनल या इंटरनल लेवल पे ठीक है तो एक बार इसको वाविल... गोथ थ्रू दिस क्विकली तो हमने क्या किसकी बात की एजल फंक्शन की पहले हमने कहा एक्चुअली इन्होंने एक फंक्शनल एनालिसिस दिया था सिस्टम का ठीक है तो सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए इन्होंने पहले दो चीजें कही थी कहा था एक स्ट्रक्चर जो है वो एक्वेलिबली मेंटेन करता है थ्रू द जनरेशन ऑफ फीडबैक फीडबैक आता है ठीक है नए इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे रीच करते हैं और सिस्टम जो है क्रम्बल नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल मैरिज डोमेस्टिक लॉस एक फीडबैक जनरेट होता है डोमेस्टिक वायलेंस हुई फीडबैक जनरेट हुआ डोमेस्टिक लॉस जो है वो बन गए और एक नया इक्विलिब्रियम आ गए मतलब एक नया इंस्टीट्यूशन आ गए जिसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन आ गई क्योंकि लोगों को थोड़ा डर रहा कि हमें कोई लॉस बन रहे हैं इससे हम तो हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है सर्विलेंस हो रही है तो इससे क्या हुआ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है सर्वाइव करने लग गया ठीक है ऐसे सिस्टम जो है ऐसे स्ट्रक्चर सर्वाइव करता है इक्विलिब्रियम से जिसको उन्होंने मूविंग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम या मैकेनिज्म फेज कहा फिर को लगा नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है सिस्टम को जिंदा रखने के लिए उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करना जरूरी है कोई सिस्टम को और वो फंक्शन उन्होंने दिए एजल मॉडल के थ्रू एजिल इज योर अडेप्टेशन की वो एडप्ट कर, करे अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को वो हेल्प कौन करता है इकोनमी थ्रू द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज गोल अटेनमेंट होनी चाहिए उस सिस्टम के कुछ वो गोल अचीव कर पाना चाहिए वो गवर्नमेंट करती है इंटीग्रेशन इज योर कल्चर सिस्टम जो आपको इंटीग्रेट करे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह में काम आए म्यूचुअल एडजस्टमेंट कोऑर्डिनेशन में लेटेंसी में दो चीजें आ गई पैटर्न मैनेजमेंट एंड टेंशन मैनेजमेंट दैट इज योर सिस्टम जो है वो सोशलाइजेशन करना चाहिए और टेंशन जो है वो मैनेज करना चाहिए इंटरनल टेंशन को मैनेज होना चाहिए तो कोई भी सिस्टम को अगर सर्वाइव करना है फॉर एग्जाम्पल फैमिली को अगर सर्वाइव करना है तो उसको ये चार चीज़ें परफॉर्म करनी है अडेप्टन की गोल अटेनमेंट की इंटीग्रेशन की एंड लेटेंसी की या आप बोलो यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि यूनिवर्सिटी आप एजल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करो कैसे सर्वाइव करती है वो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे आपको सारा क्लियर हो जाए देखो हमने क्या पहले बात की अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ए फॉर एडाप्टेशन अडाप्टेशन में हमने क्या कहा था इकोनॉमी ठीक है तो यूनिवर्सिटी के लिए एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है जो फीस वगैरह सारा आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ से आएंगी कहाँ जाएंगे किसको लोन मिलेगा कौन कितनी फी पे करेगा किसके लिए कितनी कंसेशन है वो सारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखेगा तो ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया सेकेंड इज योर जी वो आपका क्या है गोल अटेनमेंट वो कौन करता है गवर्नमेंट या यहाँ पे आप गवर्निंग बॉडीज देखोगे तो यूनिवर्सिटी के क्या गोल्स हैं उसके लिए कैसे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना है करिकुलम क्या होना चाहिए वो सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से आएंगी आपका वाइस चांसलर वी या प्रॉक्टोरेट जिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम है वो एक गवर्निंग बॉडी है ठीक है और उसकी कोई कमेटी बैठती है जो कमेटी सारी चीजें डिसाइड करती है गोल्स को लेकर यूनिवर्सिटी के क्या गोल्स हमें अचीव करने हैं फाइनली उन्हीं बे बेसिस पे आपको एक एडिशन मिलती है कि या ए पर्स ए प्लस प्लस यूनिवर्सिटी है ए प्लस यूनिवर्सिटी है ठीक है बाद में इंटीग्रेशन आ गया इंटीग्रेशन में ही कहा चला गया सारा मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ एडाप्टेशन ए फॉर एडाप्टेशन हम यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ठीक है एडाप्टेशन में कहाँ से बात आ गई रिसोर्स कैसे जनरेट होंगे तो वो आपका कौन देखेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट सेकेंड इज गोल एंड गोल अटेनमेंट ये कौन देखेगा आपका गवर्निंग बॉडीज जैसे वीसी वगैरह गवर्निंग बॉडीज जो यूनिवर्सिटी की हैं जो थर्ड वन जो इंटीग्रेशन तो वो इंटीग्रेशन कहाँ से होगी जैसे फर्स्ट डे जो होता है यूनिवर्सिटीज का वो यूजुअली इंटरेक्शन के लिए रखा होता है जिसमें स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है या आप बोल सकते हो जूनियर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हम रखते हैं ठीक है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे होती है फेस्ट वगैरह यूनिवर्सिटीज में होते हैं तो इससे क्या होता है काइंड kind ऑफ of, uh, थोड़ा ईज आउट हो जाता है माहौल एडजस्टमेंट वगैरह हो जाती है कॉन्फ्लिक्स अगर होंगे वो रिजॉल्व होते हैं वेरियस एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हो तो वो सारी चीजें आप साइड में रखते हो फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो ये आपके कल्चर सिस्टम से रिलेटेड हुआ तो आप ये नहीं मैंने अभी जैसे अभी आपको बताया कल्चरल सिस्टम इज एनालिटिकल टूल है तो उसके लिए सोसाइटी यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ये चीजें करते हैं फाइन तो वो आपके क्या कर लेते हैं टेंशन मैनेजमेंट इन चीजों के थ्रू तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करना एजल मॉडल के थ्रू तो वो हम ऐसे कर सकते हैं रेस्ट बुक पे और एक दिया है ट्राइब्स को लेके भी एक एग्जाम्पल दी हुई है वो हम सर की बुक बुक नितिन सांगवान सर की बुक पे देखेंगे ठीक है तो ये आपका बुग मॉडल हो गया आई होप इट इज क्लियर नाउ पता नहीं वो सारा जो मैंने पिस्टा लिखा था वो अचानक से कहाँ चला गया ठीक है तो हम वापस चलते हैं हमारी बुक की तरफ हाँ तो ये हो गया मूविंग एक्म वगैरह ये हमने एक्सप्लेन कर लिया ठीक है ये भी हो गया एजल मॉडल चलते हैं एजल मॉडल हमारा रहता है ठीक है पहला क्या आपका एडाप्टेशन सोसाइटी को गेन करना है कंट्रोल और एनवायरमेंट वो कैसे होता है थ्रू इकोनॉमी से तो जो इकोनॉमी है उसके लिए सब सिस्टम इकोनॉमी वो सब सिस्टम है जो फंक्शंस परफॉर्म करेगी सोसाइटी के लिए कौन से फंक्शंस कंट्रोल करना और एनवायरमेंट थ्रू लेबर प्रोडक्शन एलोकेशन वगैरह ठीक है सेकंड आ गया आपका पॉलिटिकल या पॉलिटिकल सिस्टम गवर्निंग बॉडीज इसको ले लो ये आपका गोल अटेनमेंट वाला आ गया थर्ड वन एंड फोर्थ वन यहाँ पे आपके लेटेंसी एंड पैटर्न मेंटेनेंस की बात है आपके सोशलाइजेशन हो गया ठीक है टेंशन मैनेज लेटेंसी में पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट है टेंशन मैनेजमेंट मैंने आपको कहा वो किससे होता है आपकी फैमिली वगैरह जो टेंशन मैनेजमेंट करती है एंड पैटर्न मेंटेनेंस होता है मेंटेन करना कन्फॉर्मिटी वो कहाँ से होता है वो होता है आपकी सोशलाइजेशन से उसके इंस्टीट्यूशंस कौन से स्कूल फैमिली रिलीजन वगैरह वो सारे हेल्प करते हैं आपको सोशलाइज होने में सोशलाइज करने में ठीक है और टेंशन मैनेजमेंट जो इंटरनल टेंशन है सोशल सिस्टम के वो हेल्प करता है उन इंटरनल टेंशन को रिलीज करने में एंड फाइनली फाइनलीज इंटीग्रेशन उसके लिए आपका कल्चर सिस्टम चाहिए या आप लॉ भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो कॉर्डिनेट करेगी वेरियस कॉम्पोनेट ऑफ सोसाइटी ठीक है तो ये हो गया आपका एजल ही अंडरस्टैंड ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म ठीक है तो स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया फंक्शन भी क्लियर हो गया सिंथेटिक अप्रोच थी इनका स्ट्रक्चरल फंक्शन व्यू था मास्टर एनालिटिकल फ्रेमवर्क ठीक है ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं ये हो गया आपका इन्होंने और एक चीज दी थी साइबरनेटिक नेटिक ऑफ कंट्रोल देखो साइबरनेटिक होता है ये बेसिकली फीडबैक जनरेट करके काम करता है फीडबैक जनरेशन होती है इसमें एक एनर्जी फ्लो होगा और इन्फॉर्मेशन कंट्रोल होगा उसके लिए हमें डायग्राम देखते हैं देखो कल्चरल सिस्टम आ गया कल्चरल सिस्टम से आपका यहां से आपका इन्फॉर्मेशन कंट्रोल होती है क्योंकि स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है आपका कल्चरल सिस्टम उसके बाद आ गया नीचे सोशल सिस्टम फिर नीचे आता है उतरता है पर्सनैलिटी सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेस्मिक सिस्टम में और ये जो ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम है दिस इज योर फिजिकल बॉडी तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो ऊपर से इन्फॉर्मेशन आएगी और ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम से आपका मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होगा क्योंकि वो आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी अपनी फिजिकल बॉडी ठीक है अब अगर इसके बीच में कोई एनर्जी uh, और इन्फॉर्मेशन कंट्रोल के बीच में इनके बीच में अगर कोई इंबैलेंस आता है तो उसको रेस्टोर करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं फर्स्ट वन इज नॉर्म्स एंड वैल्यूज को इंटरनलाइज करना विच इज थ्रू सोशलाइजेशन एंड सेकेंड इज सोशल कंट्रोल ठीक है इनसे ये बैलेंस जो है इसका वो मेंटेन रहता है इसको साइबरनेटिक ऑफ कंट्रोल बोला जाता है फाइन तो ये हो गया आपका साइबरनेटिक ऑफ कंट्रोल ये एक बार देख लो ये हम वापस चलते हैं सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल से भी थे इनकी जो व्यू था इनका भी एवोल्यूशनरी व्यू था फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का ठीक है अब इसका क्रिटिसिज्म हमारा कंप्लीट हो गया क्रिटिसिज्म देखते हैं ग्रैंड फंक्शनल थियरी दी थी काफी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थे लिटिल प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी इसके लिए फाइन इन ओवर सोशलाइज व्यू ऑफ मैन लिया कि जो आदमी है इज वैल्यूज एंड नॉर्म्स और लाइक ए कॉग इन मशीन अपनी क्रिएटिविटी इंडिविजुअलिटी की बात नहीं की ज्यादा मर्टन इन्होंने नहीं की। ने कहा, जो है, यह सफर करता है से, यह हमने पहले भी डिस्कस करा है टेलीलॉजी होता है जब आप कोई किसी चीज का पर्पज और गोल बोलो की ये उसका गोल है लेकिन उसके लिए आपके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि रेन जो है वो फॉल करती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑल जो ये बात कहीं तक सही है लेकिन आप इसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं पूरी दे रहे हो आपको इसे पूरा वाटर साइकिल एक्सप्लेन करना है प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है लेकिन आप वो नहीं बोल रहे आप बस एक स्टेटमेंट दे रहे हो इनकी टेलियोलॉजीज जो इनकी थियोरीज हैं वो सफर करती हैं ऐसी ही इलेजिटेट टेलोलॉजी से जैसे इन्होंने पैटर्न मेंटेनेंस की बात की थी इन्होंने पैटर्न मेंटेनेंस में क्या कहा था कन्फर्मिटी होती है नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोशलाइज करते हैं उससे इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है सिस्टम जो है सर्वाइव करता है लेकिन उनका इसने कोई हिस्टोरिकल हिस्टोरिसिटी या उसका कोई कॉन्टेक्स नहीं दिया नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैसे डेवलप करते हैं और वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज में अगर आप ज्यादा इंटरनलाइज करो तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी सफर होगी तो हर जगह वो सिस्टम को सर्वाइव करने की वो नहीं दे कहीं ना कहीं सिस्टम क्रम्बल भी हो जाएगा अगर आप ज्यादा नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात करो ज्यादा सोशलाइजेशन की बात करो क्योंकि आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी individual, है क्रिएटिविटी है वो वहां पर खत्म हो रही है तो ये इलेजिटिमेट टेलियोलॉजी है एंड टूटोलॉजी होता है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट को कॉज को इफेक्ट बोलो फिर नेक्स्ट चीज में आप इफेक्ट को कॉज बोलो रिलीजन जो है ये इसीलिए फंक्शनल है क्योंकि सॉलिडारिटी मेंटेन करता है ठीक है एंड सेकेंड चीज में आप बोल रहे हो क्योंकि ये सॉलिडरिटी मेंटेन करता है इसीलिए फंक्शनल है तो बेसिकली आप कॉज एंड इफेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो या एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल जो है उसके चार साइड्स हैं किसी फिगर के चार साइड्स हैं इसीलिए वो रेक्टेंगल है तो आप कॉज एंड इफेक्ट को कहीं पे कॉज को इफेक्ट बोल रहे हो कहीं पे इफेक्ट को कॉज बोल रहे हो तो ये सफर करती है इनकी थियोरीज भी इन प्रॉब्लम सेकेंड इन्होंने कहा था दसिस इन द राइटिंग ऑफ पार्सन एंड मर्टन टू दाइंटिफिक एक्ट ऑफ सोशलॉजी हैज बीन क्रिटिसाइज बाय मेनी लेटर सोशोलॉजिस एस पॉजिटिविज्म की कुछ भी नहीं है पॉजिटिविज्म की बातें ही इन्होंने करी हैं जो मार्क्स से सोशोलॉजिस्ट से है उन्हें क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उन्हें निगलेक्ट किया क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास एंटेगनिज्म को मार्क्स को आप हर जगह जो भी फंक्शनलिस्ट है या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है उनका ये लिख सकते हो एज ए क्रिटिक क्योंकि हर जगह आप यही बोलोगे क्योंकि उन्होंने जो फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की बातें नहीं की उन इग्नोर कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू टर्नर ही वॉज ऑब्सेस्ड विद इंटीग्रेशन ठीक है फिर ये एक पॉजिटिव इनका कंक्लूजन हो गया जो हमें हर आंसर के नीचे लिखना है हावअ डिस्पाइट लिमिटेशन काफी अच्छा फ्रेमवर्क था हमें काफी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं उनके एजल मॉडल से कैसे प्रॉब्लम्स को जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी ट्राइबल एरियाज के प्रॉब्लम को आप समझ सकते हो वो ट्राइबल जो है वो क्यों नहीं इंटीग्रेट हो पा रहा है कंप्लीटली हमारी सोसाइटी से अगर आप एग्जाम्पल लो एजल मॉडल के थ्रू वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पॉवर्टी इतनी है और इकोनॉमिक सिस्टम से वो सही से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं गोल अटेनमेंट भी उनकी नहीं हो रही है क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इफेक्ट करते हैं उनके गोल अटेनमेंट को इतने पॉलिटिकल सिस्टम कि अगर उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वोट बैंक वो नहीं रहेंगे और फिर बाद में आप किस चीज को लेके यूज करते रहोगे ये ट्राइबल को भी समझ सकते हो ऐसे आप और कास्ट सिस्टम को भी समझ सकते हो इस चीज से थर्डली जो इंटीग्रेशन क्योंकि वो डिप्राइव्ड लोग हैं तो वो एलिनेटेड फील करते हैं और इंटीग्रेट नहीं हो पाते कल्चरल सिस्टम में टेंशन मैनेजमेंट हो गया स्ट्रेस और ऑफ मोटिवेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है लेटेंसी की इन द इंटीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन लाइक फैमिली क्योंकि इतना स्ट्रेस है सोसाइटी कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है डेवलप हो रही है पर कहीं ना कहीं वो पीछे ही रह रहे हैं इस वजह से उन्हें मोटिवेशन भी नहीं पूरी है स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा है तो उनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन फैमिली के थ्रू और टेंशन मैनेजमेंट वगैरह वो सारी चीजें नहीं होती हैं तो ये आप एजल मॉडल को रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो प्रॉब्लम समझने के लिए ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया हो ये लेक्चर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी है फाइन और आपको समझाने के पीछे भी नेक्स्ट हम करेंगे अपना पैटर्न वेरिएबल जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगी ये नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी फिर हमारा उसके बाद रहता है मॉर्टन और शायद मॉर्टन के बाद एक ही रहता है जे एच मीर और हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो उसके बाद के चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इतने कंसेप्चुअल नहीं है बेसिक बेसिक सी बातें हैं काफ़ी ईजी सी बातें समझने के लिए तो जब तक नया वीडियो आता है तो बाय टेक केयर टेक केयर केयरफे हेल्थ विंटर का टाइम है तो ध्यान रखें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हैव अ ग्रेट डे